नेताजी सुभाष चंद्र बोस 125वां जयंती परिप्रेक्षीरे नेताजी जन्मस्थान ओडिया बजार स्थित जानकीनाथ भवन रे नेताजी प्रतिमूर्ति रे माल्यार्पण करिसेंति केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। स्वाधीन भारत रे नेताजी अवदान अतुलनीय। आम राज्य रे एही महान पुरुष जन्म होइथिबारु समस्त ओडियांको पाई गर्वर विषय। तेणु तांको आदर्श रे अनुप्राणित होई समग्र भारत आज आगक बढ़ुछे। तेबे नेताजी सुभाष चंद्र बोस 125वां जयंती परिप्रेक्षीरे नेताजी जन्मस्थान ओडिया बजार स्थित जानकीनाथ भवन रे नेताजी प्रतिमूर्ति रे माल्यार्पण करिसेंति केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। निज बेउसा रु किछि पैसा बंचेकि समाज सेवा कोन करा जाय पर केमति करा जाय पर तार गोटिए उदाहरण स्वर्गीय प्रकाश राव थिले। ये बण मल्लिकु देशर लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकलोचन को आनीथिले। जेते बेले किछि वर्ष पूर्वे कटक आसीथिले मु भी जानी नथिली प्रकाश राव महाशय किए। प्रधानमंत्री तांकु भेटिले, तांको काम को प्रशंसा कले, तांको द्वारा उपकृत होइतिबा पिला मानक संगे मिसिकि प्रकाश राव को उपयुक्त सम्मान देले। परवर्ती अवस्था रे तांकु भारतर सर्वोच्च सम्मान पद्म पुरस्कार दिया जायतिला, पद्म रे सम्मानित करा जायतिला। प्रकाश राव आम समस्त प्रेरणा, गोटे उदाहरण, बड़ लंबा लाइन से टाणी जाती सी आम को निश्चित भाव प्रेरित करेंगे। आज मुसी परलोक परे परिवार को भेटापी मु महाप्रभु जगन्नाथ के पाखे प्रार्थना करुच्ची श्री प्रकाश राव को स्वर्गीय प्रकाश राव को पाख को नहीं जातु। और प्रकाश राव को जो प्रेरणा थिला आम समस्त को लंबा समय पर्यंत प्रेरित करूँ, यहाँ मोर प्रभु पाखे कामना। तेज आप शुणुते केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान जी प्रतिक्रिया रखुते पद्मश्री डी प्रकाश राव को बासभवन रे केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान डी प्रकाश राव को परिवार सह भेटी परिवार को सांत्वना देछंती। राव को एकादशहरे पहुंची आत्मार सद्गति पाई प्रार्थना करछंती।